राहुल जी, लोगों का प्यार, लोगों की भीड़ देखकर आपको क्या लगता है अब की बार चुनाव में? अभी तो देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है हमारा, तो उसके बाद में जनता के विश्वास, पहली बार आया हूँ, जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत दुखी है। बहुत लंबा ये सफ़र एक सांसद के रूप में, मेरे पिताश्री भी 4 बार रहे, मैं भी 2 बार रहा। बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ इतने लंबे सफ़र को तय किया है। आज पार्टी ने टिकट नहीं दी और इसके पीछे कोई कारण भी आज तक समझ में नहीं आया, इसलिए पब्लिक एट लार्ज में बहुत गुस्सा है, इस बात का दुख भी है, आक्रोशित भी है। आज वही मैं मेरी जनता के बीच में आया हूँ। अब जनता ने जो फैसला लेगी उस फैसले पे चलेंगे। राहुल जी, अब पूरा परिवार भावुक था, इसी बीच आपने बातों बातों में एक इशारा भी दे दिया, पार्टी आप कांग्रेस चूज करेंगे, ये आपको 2 दिन में खबर लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की भीड़ देखकर कसवा साहब, लोगों की भीड़ और लोगों का प्यार देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये तो आप क्या महसूस करते हो? हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं पिता के नाते? बहुत अच्छा लगता है, लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान और प्यार दिया है। जी, जी, जी। मैं पब्लिक का बहुत आभारी हूँ, मेरे क्षेत्र का बहुत आभारी हूँ मैं। और लोगों ने कहा, लोग नागौर जिले से चल के आए हैं, लोग थल्लड़ का मांगड़ के पास से चल के आए हैं, मामूली बात नहीं साहब। और बहुत भारी तादाद में कार्यकर्ता आए हैं और ये मीटिंग हमने मिलने के लिए की थी। और ये रूप हो जाएगा न, ये अंदाज होता तो हम इसकी मिट्टी को बाहर करते हैं। कसवा साहब, जो चूरू की बीजेपी है वो राम सिंह कसवा से शुरू होती है, बड़ा नाम था चूरू में, बीजेपी पनपाने वाले आप थे, अचानक से टिकट कटती है, बड़ा दुख होता है। आप क्या समझते हैं किसने टिकट कटवाई? आप सब समझ लेते हो। एक व्यक्ति ने अपना अहम पूरा करने के लिए पार्टी को भ्रमित करके और पार्टी को भ्रमित करके बहुत बड़ा गलत फैसला करवा लिया और पूरा संसदीय चूरू इसके लिए आहत है। तो अब की बार आप ऐसे समझते हैं कि यदि किसी भी टिकट से राहुल चुनाव लड़ते हैं तो भारी बहुमत से जीतेंगे? देखो, ये तो पब्लिक फैसला करेगी। जी जी। लेकिन बाकी लगता ठीक है। बातों बातों में राहुल जी ने एक इशारा भी कर दिया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी के साथ है। चूरू जिले की शान है राहुल कसवा, और बीजेपी का क्या हाल होगा आप ये लोग देख लेना। इससे बढ़िया कैंडिडेट आपको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आज की जो बाइट थी, राहुल कसवा साहब से आपको मिलाया, राम सिंह कसवा साहब ने भी एक छोटी सी बात रखने की कोशिश की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? भीड़ देखिए, अभी अपने गाँव की तरफ जा रही है, भीड़ में आपको दिखा दूँ कितनी ज्यादा है।